हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान संगम क्लासेस। फ्रेंड्स, बहुत टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाए, क्योंकि मेरी जो हेल्थ थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी होते ही मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथ गास्कर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने किया था विलियम पिस्थैगोरस को, आज हम करने जा रहे हैं एलिजाबेथ गास्कर। एलिजाबेथ गास्कर में क्या इम्पोर्टेंट है, जब मैंने विक्टोरिया में स्टार्ट की थी तब मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी वो इस टाइम पर पीक पर थी, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण एक क्लास जो है वो अस्तित्व में आई थी, वो थी वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास के बारे में बहुत सारे नॉवलिस्ट ने अपने नॉवल्स के अंदर जिक्र किया है, उन्हीं में से एक है एलिजाबेथ गास्कर। गास्कर ने अपने नॉवेल्स में वर्किंग क्लास की जो लाइफ है, उनका जो परिवार है, उनकी जो डेली रूटीन है, और उसके साथ साथ उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी अपने नॉवेल्स में दिखाया है। तो देखते हैं एलिजाबेथ गास्कर। सबसे पहले एलिजाबेथ गास्कर के बारे में आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एलिजाबेथ गास्कर जो है वो चार्ल्स डिकन्स, शार्लोट ब्रोंटे और हैरियट बीचर स्टोव की फ्रेंड थी। दूसरा जो आपको पॉइंट याद रखना है वो यह है कि एलिजाबेथ गास्कर जो है और चार्ल्स डिकन्स थॉमस कार्लाइल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ये क्वेश्चन जो है वो नेट में आ भी चुका है कि थॉमस कार्लाइल से कौन सबसे ज्यादा जो है वो प्रभावित थे, एलिजाबेथ गास्कर है चार्ल्स डिकन्स। अब एलिजाबेथ गास्कर के बारे में आपको क्या पढ़ना है, आपको एलिजाबेथ गास्कर के दो मेजर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं। सबसे पहला है मैरी बार्डर और सेकंड है नॉर्थ एंड साउथ। इसकी समरी से आपको गो थ्रू होना है, इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट से गो थ्रू होना है, क्योंकि ये दो जो है इनके इंपॉर्टेंट मेजर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इसके साथ साथ आपको याद रखना है नाम कैनफोर्ड और रूथ जो है वो किसने लिखे थे, एलिजाबेथ गास्कर ने। इसके साथ साथ कई बार मैंने काफी एग्जाम्स में ये भी देखा है कि वाइफ्स और डॉटर्स जो है वो वर्क जो है किसके द्वारा लिखा गया था, वो भी एलिजाबेथ गास्कर के द्वारा। तो कुल मिलाकर के हमें इन दो की स्टोरी पढ़ना है, और जो कैनफोर्ड रूथ वाइफ्स एंड डॉटर्स हैं इनके हमें नाम याद रखना है कि ये जो वर्क्स हैं किसके द्वारा लिखे गए थे। तो देखते हैं मैरी बार्डर। मैरी बार्डर जो इनका वर्क है, आपको इसका सब टाइटल जो है वो जरूर याद रखना है। ये जो सब टाइटल है काफी बार एग्जाम्स में, कई तरह के एग्जाम्स में पूछा गया है कि मैरी बार्डर का सब टाइटल क्या है, ए टेल ऑफ मैनचेस्टर। अब इसकी स्टोरी में क्या है, ये जो स्टोरी है इसके अंदर जब दिखाया गया है दो वर्किंग क्लास फैमिलीज को, एक है बार्डर फैमिली और दूसरी जो है विल्सन फैमिली। जब स्टोरी शुरू होती है तो जॉन बार्डर की वाइफ की डेथ हो चुकी होती है, वो जो है उसके बेटे की भी डेथ हो चुकी होती है, और इसी गम में वह क्या करता है, वह ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है वो ज्वाइन कर लेता है, और उसकी जो बेटी है मैरी बार्डर वो एक ड्रेस मेकर बन जाती है। दूसरी तरफ क्या होता है, जो जॉर्ज का जो लड़का होता है जैम विल्सन, वो मैरी बार्डन को पसंद करता है, वह उसे प्रपोज भी करता है, लेकिन मैरी बार्डन जो है वो हैरी कार्सन, जॉन कार्सन कौन है, एक मिल का ओनर है और उसी का बेटा है हैरी कार्सन। तो मैरी सोचती है कि वह हैरी कार्सन से शादी करेगी ताकि उसके पिता को वह अपने गरीबी से निकाल सके, इसीलिए वह जैम विल्सन के जो प्रपोजल है शादी का उसे नकार देती है। अब क्या होता है, अब ईस्थर जो जॉन बार्डन की सिस्टर होती है, एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी होती है, जेल में जा चुकी होती है, वह जॉन बार्डन को कहती है कि अपनी बेटी को बचा लो अगर बचा सकते हो, क्योंकि वह इनकी तरफ जा रही है, जो ओनर है उनकी तरफ जा रही है। तो जो जॉन बार्डन है वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है, तो वही ईस्थर जो है वो जैम विल्सन को ये बातें बताती है कि मैरी को तुम उनसे बचा लो, वो हैरी कार्सन से लगातार जो है कॉन्टेक्ट में आ रही है। तो जैम विल्सन जो है वो हैरी कार्सन के पास जाता है, दोनों में आर्गुमेंट होते हैं, और अगले ही दिन जो है ये पता चलता है हैरी कार्सन की डेथ हो गई। अब सभी का शक जाता है जैम विल्सन के ऊपर, जैम विल्सन ही उससे मिला था, इसीलिए सभी का शक जो है उस पर जाता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब जॉर्ज विल्सन की फैमिली होती है, क्योंकि कमाने वाला वही रह गया था जैम विल्सन, उसी को ही पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तो मैरी जो है
मैरी को पता है कि एमिल विल्सन ने नहीं, सॉरी जैक विल्सन ने यह जो यह इस मर्डर के पीछे इसका कोई हाथ नहीं है, तो वह क्या करती है, वह अपनी एक फ्रेंड होती है, इसकी एक फ्रेंड होती है मार्गरेट, उसके उसकी सहायता, उसकी और उसकी फैमिली की सहायता से वह इसे ढूंढती है विल विल्सन को, जो उसका जैम का कजन होता है। और विल विल्सन जो है वो यह गवाही देता है कि जिस मर्डर के टाइम ये कैसे हो सकता है, तो मेरे साथ था। और इस प्रकार से वह जैम विल्सन को छुड़ा देती है। लेकिन इसी प्रोसेस में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, वह वापस अपने पिता के पास आ जाती है और पिता की तबीयत भी अच्छी नहीं होती है। तो आखिरी टाइम में जब पिता उससे सच बताते हैं कि मैंने ही हैरी कार्सन जो है उसको मारा था, एक्सेप्ट कर लेता है और वह आखिर में जॉन कार्सन को से माफी भी मांगता है कि मैंने ऐसा किया है। अंत में हम देखते हैं कि मैरी वार्डन और जैम विल्सन जो है आपस में खुशी खुशी मैरी हैप्पी जो है वो शादी कर लेते हैं और खुशी से रहते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने इस नॉवल के अंदर देखा कि एक ओनर और एक वर्किंग क्लास फैमिली के अंदर का रिलेशन कैसा है, उनके अंदर की भावनाएं कैसी हैं। तो कुल मिलाकर के हमें क्या पिक्चर मिली, एक वर्किंग क्लास और एक ओनर क्लास, उनकी फैमिलीज के रिलेशंस और एक जो ओनर और एक वर्कर है उसके रिलेशनशिप की झलक भी हमें इस नॉवल के अंदर देखने को मिलती है। आगे देखते हैं कैनफोर्ड। कैनफोर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है? कैनफोर्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह जहाँ एलिजाबेथ गास्कल जो है रहती है वहाँ की जो पिक्चराइजेशन है वो अपने नॉवल्स के अंदर दिखाती है। तो कैनफोर्ड में जहाँ रह रही है वहाँ की पिक्चर प्रस्तुत करती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। रूथ जो है उसके अंदर एक प्योर लेडी की कहानी दिखाई गई है, जैसे टेस्ट ऑफ द एब्रेवेस है, तो उसी प्रकार की जो है स्टोरी है। इसीलिए इसका इसका नाम भी याद रखना जरूरी है कि ये किसने लिखा था, ये एलिजाबेथ गास्कल ने लिखा था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क है एलिजाबेथ गास्कल का नॉर्थ एंड साउथ। यह भी क्या है, एक सोशल नॉवल है जो वर्किंग क्लास फैमिली के बारे में बताता है। देखते हैं क्या है इसके अंदर, क्या होता है। सबसे पहले इसका नाम नॉर्थ एंड साउथ क्यों पड़ा, जो इसकी जो मेन हीरोइन है मार्गरेट हिल जो साउथ में रहते हैं पहले, लेकिन बाद में जो है किसी किसी कारणवश कुछ परिस्थितियों के कारण वे जो है वो नॉर्थ में रहने के लिए आ जाते हैं, इसलिए इसका नाम नॉर्थ एंड साउथ पड़ा है, क्योंकि दोनों जगहों का डिस्क्रिप्शन जो है वो इसमें देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि मार्गरेट हिल 10 सालों से जो है अपनी आंट और अपनी कजन एडिथ के साथ जो है वो लंदन में रह रही होती है। 10 साल के बाद वापस आ जाती है क्योंकि एडिथ की शादी हो जाती है। अब वापस आती है तो उसका जो पिता है उसकी जो नौकरी है वो चर्च में काम करता है वो चली जाती है। तो जो 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 इनके पिता हैं मार्गरेट हिल के, उनके एक दोस्त थे मिस्टर बेल, वह उसे कहते हैं कि तुम है ना नॉर्थ में एक जगह है मिटर, वहां पर आ जाओ जहाँ पर वो खुद रहता है। तो मार्गरेट हिल और उसकी फैमिली वहां पर रहने के लिए जाती है और वहां पर वह ट्यूटर का कार्य करता है। कौन? मार्गरेट हिल का पिता ट्यूटर का कार्य करता है और उसी का एक ट्यूटर होता है जॉन थॉर्टन, जो एक लोकल मिल का ओनर होता है। वह मार्गरेट की तरफ अट्रैक्टेड होता है लेकिन मार्गरेट उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं होती है। अब मार्गरेट जो है वो बीच बीच में वर्किंग क्लास फैमिली जो है उनकी विजिट करती रहती है, समझती रहती है कि उनकी सिचुएशन कैसी है। तो वह उसी दौरान निकोलस हिगिंस से भी मिलती है। अब क्या होता है, मिस्टर बेल जो है वो मार्गरेट के फादर का बहुत ही ओल्ड फ्रेंड होता है। अंत में मरते समय वह अपनी प्रॉपर्टी जो है वो मार्गरेट के पास छोड़कर भी जाता है। तो वही इसकी फैमिली को सपोर्ट करता है, मार्गरेट हिल की फैमिली को सपोर्ट करता है। कुछ टाइम जो है वो बीतता है। एक दिन जो मार्गरेट हिल की माँ है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और फ्रेडरिक हिल जो मार्गरेट का ब्रदर है वह जो नेवी में काम करता है वह उसे मिलने के लिए आता है। और जब वो लौट रहा होता है तो लियोनार्ड जो उसके साथ का एक फेलो सेलर होता है स्टेशन पर उसकी भैंस जाती है और वह पुश करता है तो वो मर जाता है। और यह बात जो है वो मार्गरेट भी देख रही होती है, लेकिन जैसे ही पुलिस पूछताछ करती है तो यह बात जो है जॉन थॉर्टन को पता है कि मार्गरेट हिल ने यह मर्डर होते हुए देखा है, लेकिन वो चुप रहता है। जब पुलिस मार्गरेट से पूछने के लिए आती है कि जो है डेथ कैसे हुई, तो मार्गरेट बोलते हैं कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन थॉर्टन जो है उससे प्यार करता है इसलिए वह चुप रहता है।
और वह यह सोचता है, जॉन थोर्डन यह सोचता है कि मार्गरेट और फ्रेडरिक जो है आपस में लवर है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अंत में क्या होता है कि मिस्टर बेल जो है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मार्गरेट हेल के नाम कर देता है, और मार्गरेट हेल जो है वो उसके पिता की डेथ हो जाती है तो वह भी लंदन में रहने के लिए आ जाती है। कुछ कारणों के कारण जो है जॉन थॉर्डन के जो शेयर्स है वो मार्केट में डाउन आ जाते हैं और उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा डाउन आ जाती है। बाद में लास्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर बेल जो है वो सच बताने वाले थे कि फ्रेडरिक और जो मार्गरेट है वे ब्रदर सिस्टर हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते हैं। अंत में निकोलस एगेंस जो है वो बताता है जॉन थॉर्डन को कि मार्गरेट और फ्रेडरिक जो है ब्रदर सिस्टर हैं, तो इस तरीके से जॉन थॉर्डन का झुकाव उसकी तरफ हो जाता है। अंत में यह दिखाया गया है कि मार्गरेट जो है वह उसके बिजनेस को फिर से खड़ा करने में मदद करती है, दोनों की शादी कर जाती है और दोनों आपस में मिल जाते हैं और शादी का फैसला करते हैं। इस तरह की जो स्टोरी है वो हमें नॉर्थ एंड साउथ में देखने को मिलती है। तो इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये आया हुआ है कि मार्गरेट हेल जो करेक्टर है वो कहाँ देखने को मिलती है, वह नॉर्थ एंड साउथ जो नोवल है जब एक उसमें देखने को मिलती है। यही क्वेश्चन जो है हरियाणा के स्क्रीनिंग एग्जाम में पूछा गया था कि मार्गरेट हेल करेक्टर इज फाउंड इन डावर नॉर्थ एंड साउथ। तो आपको क्या करना है जब एक रेस्कल में दो जो नॉवल्स हैं उनकी स्टोरी से गो थ्रू होना है और इनके नाम याद रखने हैं, कैम्फोर्ड रूथ पाइप्स एंड डार्टर्स। सो फ्रेंड्स, आज हमने किया जब एक रेस्कल को, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रोंटे सिस्टर्स को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।